आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बारगाह में आपने हाजिरी दी, आने वाली कोई फिल्म या एल्बम जिसमें आपने रोल करा उसके बारे में बताएं। मेरी आने वाली फिल्म है भाईजान, जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाली है, दिसंबर या फिर जनवरी में आएगी। और एक और फिल्म है तुझे सलाम इंडिया। दोनों ही फिल्में मेरे दिल के बहुत करीब है। और एक आ रही है गुल मकई, जिसमें मैं पाकिस्तानी ऑफिसर हूँ, जो मलाला यूसुफ जई पे बनी हुई है। तो तीनों किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है। भाईजान में मैं एक ऐसा शख्स का किरदार है जो कैसे हालात से लड़के एक डॉन बनता है, और डॉन बनने के बाद कैसे वो अपना सब कुछ खो देता है। और है तुझे सलाम इंडिया में एक पैट्रियोटिक एक्टर है जो देश में कुछ चेंज चाहता है, कुछ चाहता है कि देश बदल जाए और वापस से सोने की चिड़िया बन जाए। और मलाला यूसुफ जई में तो मैं पाकिस्तानी ऑफिसर हूँ जो टीवी सीरियलों में आप कौन सा आपका कोई आने वाला सीरियल? सीरियल मैं अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज मैं सोशल वर्क भी करता हूँ, तो फिल्में अच्छी है। क्योंकि सीरियल अगर करो तो उसमें फिर तुमको 25 दिन देने ही पड़ते हैं, तुम चाहे कुछ भी करो तुमको 25 दिन देने ही है, तुम कहीं नहीं जा सकते। अब तक कितनी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं? वैसे अब तक साउथ की 27 हो चुकी है और बॉलीवुड की भी हो चुकी है, गिनी नहीं है मैंने अभी टोटल मिला के, आई डोंट नो, गूगल पे शायद पता चल जाएगा। ऐसी कौन सी फिल्म है जो आप चाहते हैं कि आपको ये रोल अदा करना चाहिए? ऐसी फिल्म तो मेरे ख्याल से गली बॉय का रोल मैं कर सकता था, जो गली बॉय का रोल अच्छा था। अब यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को यही मैसेज दूंगा कि हिंदू मुसलमान छोड़ के अभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने काम के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए। ये जो इनकी सोच है, इनकी सोच पे आप लोग ना जाइए।